भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979489821। नवगछिया एसपी के प्रस्ताव पर कुख्यात राकेश राय को मुजफ्फरपुर जेल किया गया शिफ्ट। जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी कुख्यात राकेश राय को नौगछिया उपकारा से मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार को राकेश राय को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया। नौगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि कुख्यात राकेश राय नौगछिया जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। राकेश राय नौगछिया के कई चर्चित हत्याकांड में संलिप्त रहा है। सरोज कुमार हत्याकांड में भी राकेश राय का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। उस वक्त वह जेल में था। राकेश राय के पूर्व के आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए नौगछिया पुलिस ने उसे मुजफ्फरपुर जेल में रखने का निर्णय लिया। इधर सोनू राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव के निवासी पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटुआ यादव अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है कि छोटुआ की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया हाई स्कूल के समीप पोखर से नवगछिया पुलिस ने नवजात शिशु का शव किया बरामद। नवगछिया उच्च विद्यालय के बगल स्थित पोखर में मंगलवार की दोपहर एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। इस शव बरामद होने के बाद नवगछिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि दोपहर में स्थानीय लोगों द्वारा पोखर में नवजात शिशु के शव होने की सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस टीम को भेजकर शव को पानी से निकाला गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मृत नवजात लड़का है और नाभि भी लगा हुआ है, इससे लग रहा है कि नवजात की मौत जन्म के साथ ही हो गई होगी। इसके बाद परिजनों द्वारा शव को बालू में पोखर के किनारे दफन कर दिया होगा, जो बालू से निकलकर बाहर आ गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में नौगछिया थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। गोपालपुर केंद्रीय आपदा प्रबंधन की 7 सदस्यों की टीम ने इस्माइलपुर गोपालपुर प्रखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। टीम लीडर जी रमेश कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की 7 सदस्यों की टीम ने इस्माइलपुर प्रखंड में पिछले वर्ष आई बाढ़ से हुए नुकसान व स्थानीय प्रशासन द्वारा की रिपोर्ट की जांच हेतु मंगलवार की सुबह को दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने वीडियो व सीओ जल संसाधन विभाग के अभियंता से पूरी जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने इस्माइलपुर एवं गोपालपुर प्रखंड में बाढ़ से ध्वस्त हुई सड़कों व प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ के पानी के प्रवेश करने की जानकारी ली तथा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से ध्वस्त हुए स्तरों की जानकारी ली। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8803907433। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नवगछिया के श्री गोपाल गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर तुलादान कार्यक्रम आज। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तुलादान का आयोजन किया जा रहा है। श्री गोपाल गौशाला के सचिव राम प्रकाश रुंगटा ने कहा कि संक्रांति पर दान की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। वहीं कार्यक्रम 15 जनवरी आज बुधवार को सुबह 8 बजे से गोपाल गौशाला में होगा। तुलादान के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री गोपाल गौशाला परिसर में उपलब्ध रहेगी।
वहीं दाता अपने साथ भी स्वयं भी सामग्री लेकर आ सकते हैं। नवगछिया के गोपालपुर में मानव श्रृंखला की सफलता हेतु बीडीओ ने किया जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। गोपालपुर में जल जीवन हरियाली के लिए राज्य स्तरीय मानव श्रृंखला की सफलता हेतु बीडीओ प्रियंका ने शिल्प भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्षों व विकास मित्रों, कचहरी सचिवों के साथ बैठक कर मानव श्रृंखला की सफलता की तैयारी पर चर्चा की। मौके पर बीडीओ प्रियंका, सीओ मोहम्मद फिरोज इकबाल, विधायक प्रतिनिधि अशोक कुमार ददानी, केत बिहारी, उप प्रमुख दयानंद यादव, सिंधिया मकनपुर पैक्स अध्यक्ष सोमनाथ राहुल सहित कई अन्य उपस्थित थे। प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934264437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, महेंद्र लस्सी वाले के पास लोहार गली नवगछिया। महेंद्र लस्सी के पास लोहार गली नवगछिया, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खिलौने एवं गिफ्ट की दुकान राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर। नवगछिया राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार की बालिका टीम क्वार्टर फाइनल में। नारायणपुर आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुए 65वीं राष्ट्रीय विद्यालय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग के अंडर 14 आयु वर्ग में अपने पूल सी के दूसरे लीग मैच में बिहार ने चंडीगढ़ को 35-19, 33-15 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि बालिका वर्ग के अंडर 17 आयु वर्ग के पूल ए के दूसरे लीग मैच में बिहार ने महाराष्ट्र को 35-27, 35-33 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं बालक वर्ग के अंडर 17 के लीग मैच में बिहार ने चंडीगढ़ को 35-9, 35-13 से पराजित किया। बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में बिहार की ओर से कप्तान पूजा कुमारी, काजल कुमारी, मुस्कान कुमारी, नीतू कुमारी, कशिश कुमारी ने बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में वंदना कुमारी, मुस्कान, कवि कुमारी, सिमरन, अनु कुमारी ने बालक वर्ग में अंडर 17 आयु वर्ग में बिहार की ओर से आकाश कुमार, संटू महाराज, नितिन कुमार, सूरज कुमार, आशीष कुमार ओझा ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। उक्त बात की जानकारी बिहार बालिका बॉल बैडमिंटन टीम के प्रशिक्षक सह दल प्रबंधक गौरी शंकर, राज्य प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने दी। ढोलबज्जा के दीपक गैरेज से चोरों ने डायनमो चुराया। ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड समीप भगवानपुर निवासी ओकेश मंडल के दीपक गैरेज से सोमवार की देर रात चोरों ने 20,000 रुपए के डायनमो समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। अंकुश ने बताया कि फूस टाट के बने गैरेज के मुख्य गेट को चोरों ने काटकर मशीन में लगे डायनमो को खोल लिया है। गोपालपुर अश्वारोही पुलिस बल पहुंची गोपालपुर थाना। गोपालपुर के दियारा के दुर्गम इलाकों से दियारा का काला सोना कही जाने वाली फसल कलाई व अन्य फसलों को सुरक्षित किसानों के घर पहुंचाने तथा दियारा में छुपे बदमाशों की धरपकड़ हेतु गोपालपुर थाने में अश्वारोही पुलिस बल की टीम मंगलवार की दोपहर गोपालपुर थाना पहुंची। उक्त जानकारी प्रभारी थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने दी।